आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ शादियों में या फिर ढाबाओं में बनने वाली मटन कोरमा की रेसिपी। तो स्टार्ट करें। मटन कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए मटन। मैंने यहाँ पे मटन लिया है आधा किलो और अच्छे से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैंने पीसेस ऐसे रखी है, थोड़ी चाप पीसेस ज़्यादा है इसमें। आपको जो पीसेस पसंद हो, जो अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। यहाँ पे मटन कोरमा के लिए मटन को वैसे तो मैरिनेट नहीं की जाती है, बट मुझे स्पेशली मटन हो या चिकन मैरिनेट करके बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि अंदर से वो जूसी बन जाती है। तो यहाँ पे मैं एक बड़ी चम्मच दही, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च के पाउडर और दो हरी मिर्च डाल करके मिला करके इसे साइड में रख दूंगी। जब तक मैं बाकी तैयारी करूंगी तब तक ये मटन मैरिनेट हो जाएगा। कोरमा बनाने के लिए हमें चाहिए फ्राइड अनियन, जिसका पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पे 300 ग्राम प्याज को मैंने लंबे लंबे पतले पतले काट कर रखी हूँ। तेल भी गर्म हो गया है। ये प्याज को हम डीप फ्राई करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक फ्राई कर लेंगे। ये प्याज अभी ब्राउन हो गया है, निकालने के बाद थोड़ी देर इसकी कुकिंग प्रोसेस चालू रहेगी, तो इसका एग्जैक्टली जो कलर चाहिए हमें वो आ जाएगा। तो इसी समय हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर लेकर उसके ऊपर ये प्याज को निकाल देंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगी। और थोड़ी देर बाद, ये ठंडी होने के बाद आप देखेंगे इसका कलर एकदम सही है। और इसको हम ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ हम कुछ खड़े मसाले भी लेंगे, जिसमें है एक स्टार एनस यानी कि चक्री फूल, 5 से 6 लौंग, 3 छोटी इलायची, 1/4 छोटी चम्मच शाहजीरा, 10 से 12 काली मिरी, 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपत्ता, 1 इंच के दालचीनी का टुकड़ा और छोटी टुकड़ा जावित्री के। और यहाँ पे मैं 10 से 12 काजू और 1 बड़ी चम्मच मगज यानी कि वाटरमेलन सीड्स को भिगो करके रखा हुआ है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। चलिए अब हम आगे की तैयारी देख लेते हैं। अब हम एक कटोरी में 1/4 कप दही ले लेंगे। दही फ्रेश लेनी है, खट्टी नहीं होनी चाहिए, और अगर कम लगेगी तो बाद में 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। पाउडर मसाले डालेंगे इसमें, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च के पाउडर, आपके पास अगर पीली लाल मिर्च है तो आप वो ले, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल करके अच्छे से मिलाएंगे। मिलाते समय अगर लग रहा है दही कम है तो 1 चम्मच और ऐड करें। अच्छे से मिला लिया मैंने। ये दही जब हम कोरमा में ऐड करेंगे तो दही फटेगी नहीं, इसीलिए पाउडर मसाले मैंने इसमें मिला लिया है। 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और ये जो ब्राउन प्याज है इसको पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम हमारा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम एक भारी तले वाला कढ़ाई या फिर पॉट ले लेंगे। आप अगर कुकर में पकाना चाहते हैं तो कुकर ले ले। 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ी चम्मच देसी घी ले रही हूँ मैं। आप इस रेसिपी को पूरा घी के साथ पका सकते हैं, क्योंकि कोरमा नॉर्मली घी से ही बनती है, लेकिन मेरे घर में घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं ऑयल और घी दोनों मिक्स करके लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगी इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले। मीडियम फ्लेम पर 1/2 मिनट के लिए खड़े मसालों को भूनने के लिए छोड़ देंगे। खड़े मसाले भून गई है, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिला लेंगे। साथ में हमारा मटन भी ऐड करेंगे इसमें। आप अगर मटन को मैरिनेट करके ले रहे हो तभी भी इसी समय ऐड करें, नहीं मैरिनेट किया तभी भी इसी समय ऐड करें मटन को। मटन को डालने के बाद 5 मिनट के लिए भून लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट लगातार चलाते हुए पहले हम भूनेंगे, बाद में हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट मटन को भून लिया है। अब हम हमारा दही वाला मिश्रण इसमें डाल देंगे, जो हमने पाउडर मसाले और दही को मिक्स करके रखा हुआ था। अच्छे से मिलाते हुए पहले 5 मिनट और हम भूनेंगे इसको खुला ढक्कन, फिर हम ढक्कन ढकते हुए 5-5 मिनट के देर पे इसको भूनेंगे। ऐसे हमें पूरा 20 मिनट मटन को और भूनना है। जितना अच्छे से हम इसे भूनेंगे उतनी अच्छी टेस्ट आएगी, उतनी अच्छे से मटन पकेगी और अंदर तक मसाले अब्जॉर्ब हो जाएगी। 5 मिनट तक तो हमने अभी भून लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको ढक देंगे 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, फिर इसको बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहेंगे। मैंने 1 पिंच केसर ऐड किया है, जिससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है इस रेसिपी में। आपके पास अगर केसर हो तो आप ज़रूर डालें।
चलिए इसे ढक देते हैं 4-5 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे फ्लेम को या फिर लो पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और ऐसे अच्छे से इसे चलाएंगे। ध्यान रखें मसाले जलनी नहीं चाहिए, बीच बीच में ढक्कन हटा करके ज़रूर चलाइए। ढकते हुए जब हम भूनते हैं मटन को तो मटन अंदर तक पक भी जाती है और मसाले अंदर तक अब्जॉर्ब होती है। तो ये प्रोसेस मैंने 3 बार किया है 5-5 मिनट के लिए ढकते हुए। इसे अच्छे से भून लिया है या अभी काफ़ी भून चुकी है, एक बार और ढक देते हैं। फ्लेम इस समय मेरे लो पे ही है क्योंकि अभी काफ़ी भून गई है ना, तो मसाले जल सकती हैं, इसलिए मैंने फ्लेम को लो पे कर दिया है। ये देखिए अभी हमारा मटन अच्छे से भून चुकी है, तेल अलग हो गई है, मसाले मटन के साथ अच्छे से लिपट गई है। अब हम इसमें हमारा प्याज का पेस्ट डाल देंगे, ब्राउन अनियन का पेस्ट। ब्राउन अनियन को मैंने पूरा पेस्ट नहीं बनाया, दरदरी रखी है, आप चाहे तो बारीक पेस्ट बना सकते हैं। और हमारा काजू मगज का पेस्ट भी डाल देंगे, थोड़ी सी मैं बचाई हूँ, देखती हूँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐड कर लेंगे। आप अगर इस रेसिपी को कुकर में बनाना चाहते हैं तो आप कुकर में ये पूरा प्रोसेस करने के बाद अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। हमने ऑलरेडी मैरिनेट करने के लिए नमक ऐड किया था, तो ध्यान से नमक डालें। 3 कप पानी ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी लगा लें। यहाँ पे मैं इसे पॉट में ही यानी कि कढ़ाई में ही पकाऊंगी, तो 3 कप मैं पानी ऐड करूंगी और इसे ढक करके 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दूंगी ताकि ये धीरे धीरे पकेगी। जब धीरे धीरे पॉट में मटन पकती है तो अंदर तक इसका फ्लेवर्स ऑब्जर्व होता है और बहुत ही अच्छी जूसी टेस्ट आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कुकर में पकाना चाहते हैं या फिर कढ़ाई में। जल्दी है तो कुकर में पका लीजिए, अगर टाइम है तो कढ़ाई में या फिर पॉट में पकाइए। तो 40 मिनट पका लेने के बाद हम अभी चेक करेंगे कि मटन कुक हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे मटन के पीसेस के अंदर अगर फोक बहुत ही आराम से जा रही है तो इसका मतलब मटन कुक हो गई है, या फिर टूट रही है पीसेस तो कुक हो गई है। तो यहाँ पे मैं 1-2 पीस ऐसे चेक कर ली हूँ तो बहुत ही आराम से ये टूट रही है, इसका मतलब मटन हमारा कुक हो गया है। अब हम इसमें गरम मसाला का पाउडर 1 छोटी चम्मच डालेंगे। आप अगर गरम मसाला पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो 1 पिंच जावित्री पाउडर, 1 पिंच जायफल को घिस कर डाल सकते हैं और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैं सिर्फ गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर बहुत ज़रूरी है इसमें, केवड़ा वाटर नहीं है तो रोज़ वाटर डालें। 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर डाला है मैंने, मिला लिया। और ये मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको कि मटन अच्छे से कुक हो गई है। ये देखिए बहुत ही जूसी भी बनी है। चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये थी मेरी मटन कोरमा की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। आप मटन कोरमा घर पर कैसे बनाते हो, आप कुछ अलग करते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।